चलो भाई सुनो सुनो बिना आवाज करे स्टार्ट करो। यस सर। अपना पहला क्वेश्चन निकालो। पहला क्वेश्चन कौन सा? एग्जांपल फर्स्ट। वो तो हो गया कब का? हो गया ना, तो फटाफट से रिवाइज करके बताओ तो मेरे को। सर हम देख के बता देंगे सर, चैप्टर तो हुआ। सर क्यों? सुनो सुनो हम क्या कर रहे हैं, देखो मेरी आप हेल्प कर रहे हो। क्या हेल्प कर रहे हो? मेरी आप डबल हेल्प कर रहे हो। पहली हेल्प तो ये कि जो मेरे इसके बच्चे हैं YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं जो, उनके लिए आप 10 पॉइंट जो 10 वाली इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है पूरा 12 है ना वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हो। जैसे 12.1 है एग्जांपल, उसके बाद 12.2 है एग्जांपल, उसके अंदर शायद 10 एग्जांपल्स हैं पूरे, वो सारे एग्जांपल्स करेंगे हम। और जो वो क्वेश्चंस हैं ब्लू बॉक्स में है जो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो हम हमारे 10 क्वेश्चन भी आज हो जाते हैं तो 3-4 हमारे क्लासेस में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चैप्टर हो गया? चैप्टर कहाँ हुआ है अभी? तो फिर हम क्वेश्चन अभी क्यों कर रहे? तो क्वेश्चंस में चैप्टर है ना आपका सारा। पहले एग्जांपल लाके करके देखें बता। सर जी हम पहला कौन सा है ये बताओ। एग्जांपल 12.1 आपका रैंक टॉप। फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 12.1। हाँ बताओ आप लोग ही बताओ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। अच्छा देखो करंट कितना है। अब देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बिना पढ़े आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप मैथ में करते हो, जैसे आपने पहले भी किए हैं, तो आपको ये वाला चैप्टर है ना, ये वाला और इससे अगले वाला थोड़े फिजिकल फिजिक्स के चैप्टर हैं ये दोनों ही, इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिज्म वाला भी। तो आप जब 11th 12th में भी फिजिक्स करते हो ना, तो वो फिजिक्स आपकी न्यूमेरिकल फिजिक्स भी होती है। कहने का मतलब आप फिजिक्स को चार तरह से तोड़ सकते हो समझने के लिए, एक थ्योरेटिकल फिजिक्स, एक न्यूमेरिकल फिजिक्स, और एक आपकी कंसेप्चुअल फिजिक्स, और एक जनरल फिजिक्स। आप जीके के क्वेश्चन ला सकते हो कि कब क्या डिस्कवर हुआ, कब किसने क्या किया, कब किसको नोबेल मिला उसमें, वो जीके फिजिक्स वो आते हैं यूपीएससी लेवल पे पूछी जाती है। कंसेप्चुअल फिजिक्स के क्वेश्चंस भी यूपीएससी लेवल और सीजीएल लेवल पे आके हायर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें पूछी जाती है। इस लेवल पे आपके आईआईटी लेवल पे या AATEE लेवल पे आपको थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और कुछ कुछ कंसेप्चुअल, और वो कुछ कुछ में भी ऑलमोस्ट सारा ही कवर हो जाता है क्योंकि कंसेप्चुअल पे ही न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं। तो अगर आप मतलब न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दो तब भी आप थ्योरी को कवर तो कर ही लोगे। थ्योरी पढ़ ली आपने तो मतलब आधी फिजिक्स पढ़ी है। अगर न्यूमेरिकल फिजिक्स पढ़ ली आपने इसका मतलब थ्योरी भी कंप्लीट हो गई, आपकी पूरी फिजिक्स पढ़ ली आपने। तो ये दोनों चैप्टर जो है न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं। अगर आप न्यूमेरिकल समझ लिए तो थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपको करंट की डेफिनेशन लिखवाऊं और एक एक क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखवाऊं, एक एक हेडिंग लिखवाऊं, ओम्स लॉ से लिखवा के छुड़वा दूं, उससे अधूरा रहेगा क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आएंगे तो भटक जाओगे, न्यूमेरिकल कर लोगे तो थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 12.1 अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, वो तो चलो आपने थोड़ा बहुत कर रखा है, लेकिन अगर स्टार्ट नहीं भी किया हुआ होता तब भी आप इसको करते तो बड़े इजीली कर देते सीधे सीधे फॉर्मूलों से। अच्छा I की वैल्यू 0.5 एम्पीयर है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? बाय अ फिलामेंट ओपन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम क्या है? 10 मिनट्स। अच्छा कर देते हैं 10×60 सेकंड हो गया। यानी 600 सेकंड हो गया। यस सर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। क्यों पूछा है? अभी एक्सरसाइज पे तो नहीं पहुंच गए। एग्जांपल 12.1 है ना? अच्छा क्यों पूछा है ना चार्ज। देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है और मैंने आपको किस तरह से कराया था, समझ रहे हो बात को? स्टेटमेंट आपको थ्योरी समझा रही है, दोबारा से बताना क्या है स्टेटमेंट। A current of 0.5 A is drawn by a filament of an electric bulb in 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. चलो कोई बात नहीं, इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ जाओगे आप। देखो एक फॉर्मूला किया है हमने, सबसे सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम is known as electric current. आई बात समझ? तो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया आपका कि what do you understand by electric current?
एक मार्क का क्वेश्चन है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बात आई समझ में? Q by T। अब Q की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। कूलॉम भी तो होती है। सर ये ब्लर हो गया, वीडियो खराब हो गई। क्या हो गया? ब्लर हो गया, ब्लर एकदम से फोकस हो जाता है, एकदम से फोकस हो जाता है और हट जाता है। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। कूलॉम की स्पेलिंग सही है? हमें ढंग से देखिए, सही है। Q की स्पेलिंग COULOMB, कूलॉम। अच्छा, टाइम की क्या है? सेकंड। अच्छा तो कूलॉम पर सेकंड हो गई ना, C और ये सेकंड, सो I की क्या हो गई? कूलॉम पर सेकंड, यानी CS माइनस वन, है ना। इसको एम्पेयर भी बोलते हैं, A फॉर एम्पेयर, AMPERE, When one coulomb charge, when one coulomb charge passes through a point in a wire in 1 second, the current is said to be 1 ampere. देखो कितने क्वेश्चन एक एक करके हो रहे हैं आपके, आ रही बात समझ? ऐसे अटेम्प्ट करते होते हैं। अच्छा तो देखो इतने से इतने क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे? इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अच्छा ऐसे यूनिट हो गई, 1 ampere भी एक्सप्लेन कर दिया आपने, है ना, कर सकते हो। अच्छा अब Q की वैल्यू भी गिवन है आप, अच्छा I की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, Q की निकाल सकते हो? यस सर, Q is equals to IT, IT तो है। अच्छा तो Q is equals to कितना हो गया? 5 upon 10 into 6, 10 से 10 कट गया मेरी मर्जी, ऊपर 0.5 है ना, 0.5 है ना, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 300 कूलॉम। तो 300 कूलॉम का चार्ज अगर किसी वायर से किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है 600 सेकंड में, तो इतना करंट बना रहा है वो, समझ रहे हो? इसका मतलब अगर ये आपका क्या है, सर्किट है ना, तो इस सर्किट से यहां से आपका एक बल्ब बन रहा है, ये बल्ब है ना, इस तरह से ये बल्ब है, इस बल्ब से 300 कूलॉम का चार्ज पास हो रहा है 600 सेकंड्स में, तब जाकर के जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना वो है 0.5 एम्पीयर। बता दिए समझ? अब मुझे बताओ अगर 600 कूलॉम का चार्ज होता, अगर चार्ज कितना होता देवांश? 600 कूलॉम का चार्ज होता तो 600 सेकंड में कितना करंट पास हो रहा होता? 600 कूलॉम का चार्ज होता और सेकंड भी 600 होते, 1.0 कितना करंट पास हो रहा होता? करंट आई सर ने क्या क्या वैल्यू दिया सर आपको? 600 हाँ हाँ, और क्या वैल्यू है? 1 ampere सर, इसमें शंका है किसी को? नहीं सर, सुनाई नहीं देती। अच्छा 1200 कूलॉम का चार्ज होता तब कितना करंट बनता? इतने सेकंड में, इतने ही सेकंड में 2 ampere। तो डाउटफुल होकर के क्यों बोल रहे हो? मतलब ऐसे दबी दबी आवाज में कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस के क्यों बोल रहे हो? 1800 कूलॉम का चार्ज होता तो 3 ampere होता। अगर 600 कूलॉम का चार्ज होता और टाइम 1 minute होता तो 600 कूलॉम का चार्ज होता 0.05 और 6। देखो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया, समझ आ गया ना? हाँ सर, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखो मैंने कितने वैरायटी के क्वेश्चंस करा दिए आपको, अब तो ये तो हो गया यार। मैं आपसे कह रहा हूँ 600 कूलॉम का चार्ज है और आपको 1 मिनट दिया है, 1 मिनट, अब बताना करंट कितना पास हो रहा है? 10 ampere
तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो 10 एम्पियर। शाबाश सर, सबसे पहले करके दिखा। किसने ये तो नहीं किया ना सर 600 कूलम पर मिनट? नो सर, सेकंड में चेंज किया। गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये कोई यूनिट नहीं बनी हमारी। यूनिट है बोल सकते हैं, पर लिखना पड़ेगा, फिर मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन प्रिसाइसली हम इस यूनिट को फॉलो करते हैं कूलम पर सेकंड, क्योंकि ये हमारा एम्पेयर है। अगर क्वेश्चन पूछ ले पेपर में कि एम्पेयर में कितना हो गया करंट, क्वेश्चन लिखा हो गया आप पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियांशु आप समझो इस बात को ध्यान से कि ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। 600 कूलम पर मिनट का करंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया ना साथ के साथ, इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया होता कि चार्ज बताओ कूलम में, और सेम मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, इसको एग्जांपल, अब हमारा क्लास का एग्जांपल वन मान लो, हम छोटे में लिख देते हैं इजी करके, जो एनसीईआरटी के बड़ा करके लिख देते हैं ईएक्स करके। तो हमारा एग्जांपल वन में क्या कहते हैं, चार्ज 600 कूलम है, 1 मिनट का टाइम है, तो बताओ कितना करंट बनेगा। भाई बिल्कुल सही है, 600 कूलम पर मिनट का ही तो करंट है। लेकिन अगर साथ ही साथ मैं ये कह दूं कि फाइंड आई करंट इन एम्पेयर, एम्पेयर में बताओ करंट कितना है, तो ये नहीं आंसर। जब ये सेकंड में चेंज होगा, तब ये सेकंड में चेंज, हाँ तब ये सेकंड में चेंज होगा, 600 कूलम पर 60 सेकंड करना पड़ेगा आपको, तब ये कट करके 10 कूलम पर सेकंड आएगा, और ये हमारा एम्पेयर होता है, यानी कि 10 एम्पेयर, ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ, ये तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर? पक्की बात है? यस। अगला क्वेश्चन बताओ। एग्जांपल 12.2 से पहले क्या कोई ब्लू लेटर्स में कोई क्वेश्चन है? तीन है। कौन कौन से? व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग वन कॉलम ऑफ चार्ज। अच्छा आराम से बोलो, सही से जोर जोर से स्पष्ट बोलो, क्योंकि मैं एज इट इज पूरा लेक्चर भी डाल सकता हूँ एक घंटे का। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। अच्छा तो ये हमारा क्वेश्चन वन है ना ब्लू वाला। अच्छा क्या है ये क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। अच्छा तो हम सीधा सीधा आंसर ही लिखना स्टार्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि इसको हम 2 मार्क्स का समझते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बच्चों को दिखाना भी है कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, आपको दिखाना भी है, आप भी बता दो इसके पॉइंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अच्छा ये सेम इसी तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, वो तो बना। अब बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है इसमें? बैटरी होती है, रजिस्टर होता है, करंट पास होता है। अच्छा किसी के पास बुक है अपनी प्रदीप की या कोई दूसरी, दिनेश की या कोई आपकी, कौन सी बुक लाते हो आप, आपकी प्राची पब्लिकेशन, ऐसा क्यों कर, मतलब क्या काम, उसमें से निकालो, देखो आप लाइन अपनी ऐसा की सर। आप सुस्त मत बैठा करो दीपक, प्रियांशु सुस्त मत बैठा करो, एक्टिव रहा करो, एक्टिव जितना रहोगे ना, इन्वॉल्व जितना रहोगे उतनी जल्दी जल्दी कवर होगा आपका सिलेबस। हाँ आपस में से मजाक मत करो। 200 पेज नंबर 200। इसका ये भी तो हो सकता है डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक, डायग्राम ऑफ अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटीन्यूअस एंड Closed path of an electric current. Of electric current is known as electric circuit. अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या मतलब है, a continuous and closed path for set of electric current. हम बात एक ही है, इलेक्ट्रिक करंट का है वो कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ, या इलेक्ट्रिक करंट के लिए है कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ, बात एक ही है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा अभी एक तो ये हो गया
अब हम इसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं टाइम पे, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बताती हूं। तो पार्ट्स बताओ इसके साथ ही साथ, इसी क्वेश्चन में पार्ट्स बताओ। पार्ट्स इट कंटेन्स अ रेजिस्टर, अ बैटरी, अ बल्ब, बल्ब कोई भी चीज, मतलब की हो सकती है ओपन क्लोज करने के लिए। अच्छा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या क्या पार्ट्स होंगे? पहला रेजिस्टर, हाँ रेजिस्टेंस होगा इसमें, रेजिस्टर, बल्ब, बल्ब हाँ बल्ब होगा, थर्ड सेल, सेल बैटरी बोल देंगे उसको, और वायर तो बहुत जरूरी है, वायर के बिना तो सर्किट ही नहीं बनेगा। हाँ तो लिखो ना, एमीटर ले लो। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ लिखो ना, मेरी मेहनत करवा दी, कट करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखो, मैंने बोला था ना थोड़ा मर्यादा में रहो, इस चीज का ध्यान रखो। एमीटर, चलो मैं लिख देता हूँ वायर, ठीक है। अच्छा चार हो गए, ठीक है पार्ट्स। एमीटर, एमीटर हाँ लग सकता है बिल्कुल, करंट को मेजर करने के लिए सर्किट का एक पार्ट है वो। नहीं वो तो पूरे बड़े सर्किट का, छोटा सा सर्किट कर लो। सुनो सुनो, मेन तो क्या है, मेन है हमारा वी आई आर, वी मीन्स बैटरी, ओम्स ला पढ़ा है आपने, वी इज इक्वल्स टू आई आर। करंट के लिए वायर होनी चाहिए, वोल्टेज के लिए बैटरी होनी चाहिए, और एक रजिस्टर होना चाहिए। और उसमें करंट है या नहीं है उसके लिए या तो एमीटर होना चाहिए या कोई बल्ब होना चाहिए। तो ये चार पार्ट, पांच पार्ट हो गए ना, बिल्कुल सफिशियंट है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया कि डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब 3 नंबर में हुए क्वेश्चन, तो सोच के सोचो, मतलब सोच करके इमेजिन करो, मतलब इमेजिन करके सोचो। सर 3 में हाईवे नहीं है और क्या, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, 3 नंबर का होता है क्वेश्चन, तो क्या क्या पूछ सकता था एग्जाम्पल ये बताओ। बिल्कुल देखा, पकड़े टीच, एग्जामिनर का दिमाग पकड़ गए। समझ रहे हो बात? इस इलेक्ट्रिक सर्किट नाम के शब्द से क्वेश्चन बन कैसे सकता है ये देखो। बस 1 नंबर का बना लिया, 2 नंबर का बना लिया, 3 नंबर का बना लिया, तो साथ ही साथ अब इसमें हम एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं 1 मार्क का। डायग्राम, अब इस डायग्राम को यहां बना लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा वायर, रेजिस्टर, अच्छा ठीक है। इसमें हमने साथ ही साथ ही अपना एक बल्ब बना दिया, बल्ब में ये फिलामेंट बना दिया। सर हम जैसे डायग्राम बनाए तो इसमें ये तो नहीं होता ना कि कहीं यहाँ पे की होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं पे भी दिखा सकते, ये तो यहाँ दिखा दी मैंने की। हाँ सर ठीक है, और सर एक की थोड़ी बटन है, बटन वाला की को अगर ओपन रखोगे तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। क्लोज रखोगे, अगर क्लोज यानी कि करंट नहीं है, क्लोज कर दोगे तो करंट है। ये समझ नहीं आ रहा, देखिए यहां पे बिना स्विच जलाए के बल्ब जलता है, बिना स्विच जलाए, सुनो एक मिनट, क्या बिना स्विच जलाए फैन या आपका एलईडी लाइट बल्ब जलता है? तो आप स्विच जला करके करते क्या हो, सर्किट को क्लोज कर देते हो। क्लोज करने से क्या हो जाता है, करंट के लिए पाथ मिल जाता है, करंट के लिए पाथ मिल जाता है। सर जी जलता है ना, हमने देखा था अभी, हमने वो दरवाजा लगा दिया थे ना, बोर्ड के पास चला गया था बल्ब। सर इस चीज में ना 6th क्लास में कंफ्यूजन हुई थी, बस तो बस के बाद ही समझ आ गया, आ गया था मेरे को सिंपल सा कांसेप्ट, समझ गई समझ बस आ गया। देखो बहुत ही इजी सी चीज है ये कि क्लोज का मतलब, आप एक बात बताओ, ये ब्रिज है, क्लोज मतलब सुनो सुनो, अरे ब्रिज को छोड़ो, क्लोज और ओपन का मतलब क्या है, आप इस चीज को मैं बताता हूं। समझो भाई ये नदी है ना, ये नदी बह रही है ऐसे, इसको पता चल रही है जा रहा, तो इस किनारे पर और इस किनारे पर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्लोज है, वो नदी बना दी है, ऊपर मर जाओगे, तैरना आता है तो बोट भी, भाई यूज लेस, अरे यार पैदल जाना है, पैदल जाना है, इसके ऊपर चल के तो जा ही नहीं सकते, है ना। तो इसको और इसको हम ओपन सर्किट की तरह समझ सकते हैं कि कोई पाथ ही नहीं है जाने का यहाँ पर, है ना। अगर हमें ब्रिज बना दें ऐसे,
तो अब इसके ऊपर पैदल चल के जाया जा सकता है। अब ये सर्किट क्लोज कर दिया हमने, करंट को पाथ दे दिया जाने का, रास्ता दे दिया जाने का। आई बात समझ? इससे तो इजी कोई चीज ही नहीं हो सकती समझाने के लिए। अच्छा बैटरी हो गई बी, ये रेजिस्टर हो गया आर, ये बल्ब हो गया, ये करंट हो गया आई, ये आपका क्या यहाँ पे एमीटर बना दो, ये एमीटर, ये क्या है सर्किट है। एमीटर करंट को मेजर करता है, मीटर है मीटर। ये कैसा मीटर है? खाली नहीं, वो रीडिंग्स को नोट करता है। जो हाउस होल्ड में मीटर और सब मीटर होता है वो रीडिंग करता है उसकी, फिर कितना बिजली फूकी है। हाँ, उसकी काउंटिंग होती है। ये सिर्फ सिंपल एमीटर है, ये बताता है डिफ्लेक्शन करके अपनी कि हाँ भाई करंट है कि नहीं है सर्किट में, ये सिर्फ इतना करता है। अच्छा जो स्विच में रेड रेड करंट, अच्छा वोल्टेज बत्ती लग रही है, लाल बत्ती लग रही है। अरे बस इतनी सिंपल सी चीज आप क्यों घूम रहे हो? आपस में बात मत करो, नंबर लिख रहे समझ गए सर। आपस में बात मत करो, आप बोला आप अपना काम करो। कपिल आप अपना काम करो। सर आपने बैटरी के नीचे वी क्यों लिखा? वोल्टेज है, इसी से तो वोल्टेज आती है। तो वोल्ट मीटर में भी तो वी लिखते हैं। नहीं, वोल्ट मीटर वो सिंबल हो गया। अरे वो सिंबल हो गया, अगर मैं इसको हटा करके यहाँ पे वोल्ट मीटर कर दूं, यही चीजें सेल्फ स्टडी करके हटती है, इसी के लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। ये एक ही छोटी छोटी चीज है ना, यही परेशान करती है। ये वोल्ट मीटर हो गया, ये तो वोल्ट आपने उसके लिए भी लिखा था यहाँ पे V is equal to IR। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो ये भी करोगे आप। V is equal to IR में भी V है, तो V बराबर 12 वोल्ट आ गया, इसमें भी ये वोल्ट आ रहा है ना। ये यूनिट है यहाँ पे, ये वोल्ट है ना, जो ये यूनिट है यहाँ पे वोल्ट, ये भी का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। अभी करेंगे, आ रहे हैं क्वेश्चन, अभी तो हम कहाँ हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं। सर्किट हो गया, अच्छा इतनी बात आती है समझ। क्वेश्चन वन हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन वन के साथ साथ अगर आपने सच में ध्यान दिया है तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इतना समझ में आते हैं ना। क्वेश्चन टू बताओ, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ये हो चुका। दूसरा एम्पीयर क्या करवाया था सर? जब मैंने पहला 12.1 एग्जांपल कराया था, ध्यान दो वहीं की वहीं आपको क्वेश्चन कराया था। तो वहां हो गए, यहां पे आपने पूछा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हां नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब कवर तो हो गया ना। कवर हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग हालांकि इन्होंने बोला नहीं है कि एम्पियर को डिफाइन करके लिखो, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को बताओ। बताओ लिखा कि डिफाइन करके लिखो, ऐसे बताया। Define the unit of current. दो कर दिया define, फिर देखो unit of electric current, SI unit of electric current is ampere. It is defined as coulomb per second. C upon S. अच्छा अब कहीं पर ये लिखा मिले कि define one ampere, उसका भी सेम यही आंसर है, बट उसमें आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अभी जो मैंने ये क्वेश्चन करा है आपने, इसमें भी आपको स्टेटमेंट में भी लिखना है। The SI unit of electric current is ampere. It is defined as coulomb per second. साथ में लिख, साथ के साथ लिख भी देना है, 1 ampere is equals to coulomb per second. सीए बोले दिवांश, यस सर, बात आ रही है पकड़ में। आगे जाकर के क्वेश्चन में ये भी मिलेगा आपको, define 1 ampere. दिवांश, हां सर, आ रही बात समझ? आ रही सर, पक्की बात आ रही है? आगे जाकर मिलेगा सर। अच्छा बताओ define 1 ampere. Thank you.
डिफाइन वन एम्पियर, वन एम्पियर वैसे कैसे करने हैं? मतलब इसमें से बुक में से। अच्छा अभी तो कह रहे थे आप हो जाएगा, हो जाएगा ना, मैं करो याद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, याद हो जाएगा ठीक, आपको हो जाएगा फिर तो हो जाएगा मेरा। हाँ बताओ, आप बताओ, बताएं। One ampere is defined as coulomb per second. ठीक है सर, हो गया। क्या है वो बताओ यार। One ampere is defined as coulomb per second. शाबाश शाबाश। अब बताओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। पेज नंबर कौन सा चल रहा है? 200। एग्जैक्टली 200। मुझे पता है पेज पेज नंबर टू बुक में थी। बताओ ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। चार्ज कितना है? वन कूलम्ब। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं एन। यहाँ पे है आपका दूसरा फॉर्मूला जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है ना। yes, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वगैरह तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, है ना। इलेक्ट्रिसिटी देखो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बिजली बोलेंगे, करंट बोलेंगे, है ना। एक्चुअल में ये होता क्या है, जब एक चार्ज होता है ना, चार्ज क्यू रेस्ट पर है तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तक आपका ये चैप्टर नहीं है। अगर Q चार्ज रेस्ट पर है, निवांश Q चार्ज रेस्ट पर है, तब तक क्या नहीं है? वो नहीं, तब तक ये वाला चैप्टर नहीं है। Q जैसे ही मोशन में आ जाता है ना, तो ये चैप्टर आ जाता है। बात आई समझ? मतलब जब Q चार्ज अब क्या करने लग गया, मोशन मीन्स मूव कर रहा है आगे। अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। आई वाज इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जिस्टेंस समझ में आया? yes, ये कहां से बनती है? अब सर्किट में आपका चार्ज जो था वो मूव करता था, ये प्लस है माइनस है, यहां से मूव कर रहा चार्ज। हम मेनली मानते हैं प्रोटोन मूव करता है, प्रोटोन यहां से यहां घूम करके यहां जाता है। और क्या भैया सूरज सर, टाइम बताना। एक सर अब फ्लैश लाइट काम कर रही है, जलाई कर प्रोसेस। हां आ जाओ सर, इसमें बहुत झुरन से उल्टी आ रही है। किसमें? पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स भाई आपने भी लाइट वाला चला। अरे बस बस तुम लोग ऐसे ऐसे भटका मत करो। तीन चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, ना तो भटकना है, ना अटकना है, ना ही चटकना है, ना ही चटकना है। तीन चीजें नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े। अब इस पे आ जाओगे, चार्ज मोशन में है ना, चार्ज मोशन में तब इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आई थी मतलब करंट आया था। तो देखो हमने इलेक्ट्रिक करंट जो बराबर है क्यू अपॉन टी, यानी टाइम के साथ जब चार्ज मूव कर रहा है तभी तो इलेक्ट्रिक करंट आया था। ये वाली चीज हमने बाद में कर पहले कर ली, जबकि ये बाद की इक्वेशन है। इससे पहले की इक्वेशन जब चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज जब रेस्ट पर है इसको अब हम अप कर रहे हैं। तो चार्ज क्यू बराबर होता है वो होता है एन ई के। तो देखो दो इक्वेशन थी, पहले ये आनी चाहिए थी फिर ये आनी चाहिए थी, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने पहले ये कर ली अब इसको कर रहे हैं। Q बराबर N E, इसका क्या मतलब है? N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और Q का मतलब इलेक्ट्रिक। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रिक शब्द तो आएगा ही नहीं, अभी चार्ज मूव ही नहीं कर रहा। बात को समझो, ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इसमें क्या फर्क? बहुत अंतर है इसमें। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे वो दुकानें होती हैं, बहुत अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्क समझो।
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम, देखो आपने इलेक्ट्रिकल आइटम और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिक्स कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज होता है, एलईडी टीवी होता है, इलेक्ट्रिकल होते हैं वो, तो एलईडी वाला इलेक्ट्रॉनिक होता है, फोन आपका इलेक्ट्रॉनिक है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक है, इन्वर्टर। हाँ ये बड़ी प्रिसाइज डेफिनेशन है, जब आगे जाओगे ना इंजीनियरिंग करोगे तब अलग अलग हो जाएगी। अभी आप समझो इलेक्ट्रिक यूज होगा करंट के लिए। यूज कर सकते हैं, सुनो इलेक्ट्रिक चार्ज भी यूज कर सकते हैं, बट आप अलग अलग ही रखो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही लिखो ज्यादा। ये क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यस सर। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? कोई हंसा रहा है किसी को, कोई हंस रहा है? क्यू होता है एन ई के बराबर, जहां पर ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम पर सेकंड। कहां से होगा, अभी मूव तो कर ही नहीं रहा है चार्ज, आपको इस चीज में डाउट क्यों है? पर सेकंड करंट के केस में आप जानबूझकर तो नहीं कर रहे ना ये चीज, क्योंकि आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इस जरा सी मामूली सी चीज में अटको। क्यू अपॉन टी होगा तभी तो होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज की वैल्यू है ये, टी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ा आपने, एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का उतना ही चार्ज है जितना प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जीरो है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस का है। आई बात समझ? तो सेम यही चार्ज प्रोटॉन का भी है बट साइन प्लस का हो जाएगा। आगे बात समझ? अच्छा, ई की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू पता है, यहाँ 1 कूलम बराबर एन इंटू −1.6। हम नंबर निकालना है हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी 1.6 −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम से यहां से नंबर निकल के आ जाएगा, इसको नीचे भेजेंगे ये वही रहेगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यूनिट से यूनिट कैंसिल, क्या आएगा? अब हम इस टेन को कर लेंगे तो आंसर बताओ क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? 0.6 × 10⁻¹⁹ को सोल्व कर दो बस, आप मैं सच बता रहा हूँ कि चारों के डंडा लगा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना करा चुका हूं मैं आप लोगों को, और सिर्फ यही नहीं पूरी क्लास चली है इस एक चीज के ऊपर, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज देख करके, क्यू की अलग वैल्यू देख करके, ई की अलग वैल्यू,
एन की अलग वैल्यू दे करके इसी इक्वेशन पे बहुत वर्क किया है हमने, ये याद हो जानी चाहिए थी अब तक तो। 1.6 की 1.6 6 into 10 की पावर 18 बताओ, पॉइंट के बाद पूछ आएगा। 6.0 मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, डंडा लगाऊंगा मैं चारों को। ज्ञानशु कहाँ टक रहे हो आप? अब तक तो ये याद हो जानी चाहिए थी, मतलब नहीं करते बिल्कुल भी आप सेल्फ स्टडी। सर 6.25 10 की पावर 18 देख करके बता दिया। नो सर, मैं पीछे देख रहा था, फिर याद आ गया। 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स यस सर मिलकर के 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। इसमें कोई समस्या है सोचने में? अगर सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये होता, अब इसकी वैरायटी देखो आप जरा। अभी क्वेश्चन क्या था कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो क्वेश्चन था। अच्छा, सेम यहाँ पर लिखा होता 0.1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 10 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 100 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जाहिर सी बात है इसी में कोई ना कोई चेंज होगा ना, आंसर तो सेम आएगा। 1 अपॉन कर दोगे कुछ। अच्छा देखो, ऊपर है नीचे तो कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये। एक्चुअली बताओ क्या है ये? हे भगवान, देखो ये भी तो कूलाम में ही है। yes, है ना भाई, 1.6 into 10 की पावर 19 कूलाम है ना। yes, sir. अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूं कि 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके कितने कूलाम का चार्ज बनाएंगे? 10 की पावर 19 कितने कूलाम का चार्ज बनाएंगे? सर कितने, यानी कि निकालना क्यों है? 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज बनाएंगे, यानी क्यों निकालते हैं? अरे सीधी सीधी सी बात समझो, ये क्या है हमारा, इससे डिवाइड करना है ना। देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब n और e इकट्ठा दिया होता है तो क्यों निकालना, तो बहुत आसान होता है। वो इनटू हो जाएगा। ये क्या है n, ये है e, क्या हो गया q आ गया, यानी कि सीधा सीधा 1.6 कूलाम का चार्ज। आई बात पकड़ में, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके इतने कूलाम का चार्ज बनाएंगे। सेम यही क्वेश्चन होता कि 1.6 कूलाम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। आ गई बात समझ? हाँ बताओ। Q is equal to n नहीं होता, 10 की पावर 19 तो 1.6 into 10 की पावर minus 19 में मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होगा ना, तो मल्टीप्लाई तो होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई हुआ। हाँ? ये 1.6 10 की पावर माइनस 19 को मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर प्लस 19 से, तो क्या आना चाहिए? माइनस
प्लस माइनस अच्छा कैंसिल हो जाएगी 10 की पावर माइनस 19 को मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 19 से क्या आना चाहिए वो कैंसिल हो जाएंगे ना 19 1 कैंसिल आना चाहिए तो क्या आना चाहिए 1 1 आएगा कि 0 आएगा 1 पक्का कंफर्म 1 आता है क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं तो कैंसिल हो जाएगा यानी 10 की पावर 0 यानी कि 1 एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 आ रही बात ये पॉइंट आ गया सर अच्छा अब मेरे को बताना जरा और सर इसी बेस पे एक और सवाल पूछे आप पूछोगे बताओ मतलब हमको डाउट है हाँ बताओ जब इसमें 10 की पावर 0 है तो जब न्यूट्रॉन की पावर 0 होती तो वो 1 क्यों नहीं होता अरे वो चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस रिप्रेजेंटेशन है ये न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो मीन्स नल चार्ज नील चार्ज कोई चार्ज नहीं है वो है और कोई डाउट किसी को अच्छा तो अब मेरे को आप अब ये बताओ कि यहाँ पर 1 कूलाम की जगह 10 कूलाम का चार्ज है 10 कूलाम का चार्ज है अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के इस 10 कूलाम के चार्ज को बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स हाँ How many electrons are required to form a charge of 10 coulomb? कितना है 1.6 into 10 की पावर 18 कैसे कर सकते हो हाँ कितना गलत आपको इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सर डिवाइडिंग कर रहे हैं बस वो नहीं आ रहा था ये कैलकुलेशन ही तो है मैं कुछ नई चीज थोड़ी बता रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक इक्वेशन है q is equals to ne यहाँ पे ये गिवन है n निकालना है भाई ये तो गलत बात है ना मैं आपसे कह रहा हूँ a बराबर q a बराबर b into d है मैंने आपको a की वैल्यू दे दी d की वैल्यू दे दी b की वैल्यू आपको बतानी है इसमें समस्या क्या है आप अगर यूं सोच रहे हो कि पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए फिर इसको करें ऐसा तो नहीं सोच रहे तो मैं बता दूं आपको कंसेप्ट अड़ता भी नहीं है वैसे इसको करोगे तो कंसेप्ट भी समझ में आएगा चलो कंसेप्ट सुनो पहले कंसेप्ट सुनो क्या सुनो सुनो एक मिनट सुनो ध्यान से हर सेगमेंट सुनो ध्यान से q इज इक्वल टू एनी है ना इक्वेशन एनी से मतलब समझते हो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब ये है q इज इक्वल टू एन ई तो आप 11th क्लास की फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक समझ रहे हो कि q इज इक्वल टू एन ई क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
चार्ज। इसका मतलब क्या है अब ये देखते हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज है ना वो इसका इस E का इंटीग्रल मल्टीपल है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। कहने का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है। अभी इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब वो सारे नंबर डॉट 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 माइनस से आते हुए माइनस इंफिनिटी से आते हुए माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री डॉट 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 प्लस का इंफिनिटी तक, ये सारे इंटीजर्स होते हैं ना। इनमें से कोई सा भी नंबर आप पुट कर दो यहाँ उस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के यानी इस E की वैल्यू के मल्टीपल में ही कोई चार्ज होगा। इसमें ध्यान दो इंटीजर है, इंटीजर है, वन है या टू है। देखो एक बार के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए माइनस वालों को भी हटा दो, जीरो को भी हटा दो, प्लस की वैल्यू रखो। तो चार्ज क्या हो सकता है यूनिवर्स में हम यहां लिख देते हैं वेयर एन कैन बी वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज यूनिवर्स में या तो ई के बराबर हो सकता है या यूनिवर्स में चार्ज 2e के बराबर हो सकता है या 10e के बराबर हो सकता है या 1000e के बराबर हो सकता है। आ रही बात समझ? बट यूनिवर्स में चार्ज कभी भी क्यू के डेढ़ गुना नहीं हो सकता e के, 3.5 टाइम्स नहीं हो सकता, 7/5 टाइम्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स है, समझ रहे हो? टुटमा चार्ज नहीं हो सकता कभी। अब समझे बात को, टुटमा शब्द तो समझते हैं ना हिंदी में, टूटा हुआ चार्ज नहीं हो सकता, एक पूरी क्वांटिटी है चार्ज। भाई कभी आपने ऐसा सुना है क्या क्लास में मतलब 250 बच्चे का मतलब एक पूरा सिंगल पीस बच्चा है ना 250, एक ये बच्चा एक ये बच्चा एक ये बच्चा, कभी ऐसा तो नहीं सुना ना? हाँ इस तरह से तो नहीं सुनते कभी। इसका मतलब 62.5 बच्चे तो नहीं हो सकते, या तो 62 होंगे या 63 होंगे, समझ रहे हो? वही चीज है यहाँ पे, क्योंकि इस चार्ज का कोई टूटा हुआ हिस्सा नहीं है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही मिल सकता है। नहीं समझे? समझ गए। अब समझे हो बात को? इसके मल्टीपल में ही कुछ मिलेगा। तो यूनिवर्स में जो भी चार्ज पॉसिबल है, पहली बात तो देखो आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अब यहाँ पे आप कभी भी 7/2, 3/2, √3, √7, √80, 5/2, 1.66666 जो जाता जाता है नंबर, 22/7 इस तरह के नंबर पुट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे चार्ज यहाँ पर जो वैल्यू देते वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं समझे? कैलकुलेशन आपकी दिमाग में जो इतनी सारा भवंडर बना पड़ा था कि एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है क्या? नहीं, कोई भी नहीं हो सकती, फिक्स वैल्यू होगी। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 6.25 आया है, बट ये 10 की पावर 18 भी तो है, 10 की पावर यहाँ से दो जीरो नीचे जो आएंगे डिनोमिनेटर में वो कट जाएंगे इसे, बाकी तो 10 की पावर 16 है तो प्रॉपर एक नंबर 6250000 करके कुछ प्रॉपर नंबर ही तो है वो। सर एक और फैक्ट है, मतलब n में जितने जीरो बढ़ते जाएंगे ना उतने पॉइंट कम होते जाएंगे, मतलब ये 6.25 आया था इसमें 10 नीचे कर दो और 10 ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 6.25 × 10⁻¹⁹। अब ये भी कह सकते हो सेम यही वैल्यू में एक एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी। आपने यही तो कहा है कि 1 कूलम के चार्ज में 6.25 × 10⁻¹⁹ है। आपने कहा फैक्ट है सर ये कि आप 1 कूलम की जगह 10 कूलम कर दोगे ना तो ये 6.25 हो जाएगा। आपने इसको सेम रखा, फिर कहा मैं 100 कूलम कर देता हूं तो आप कहोगे कि सर 6.25 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको चेंज कर रहा हूं।
जो 10 1 कूलम था तो 6.25 into 10 की पावर 18 था, मींस इलेक्ट्रॉन्स है ये पे। 10 कूलम किया तो 6.25 रखा तो 10 की पावर 19 आ गया। 100 कूलम होते तो 6.25 into 10 की पावर 20 कूलम, 1020 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। 1000 होते तो 1000 अगर चार्ज होता तो 21 हो जाती पावर। आ रही है बात समझ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया दिवांश? क्या आया समझ में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से? मतलब आप बता दे, ये हो सकती है, वो हो सकती है, वो हो सकती है, क्या हो सकती है? एक्चुअल आंसर आएगा कभी भी हाफ जैसा नहीं आएगा। बिल्कुल, कभी भी पॉइंट्स में नंबर नहीं आएगा, टूटा हुआ आती है, उसको कह सकते हो आप इंटीग्रल वैल्यू आती है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये एक्चुअल में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q इज इक्वल टू एनी वाली इक्वेशन से बनता होता है। आपको यहाँ पे ये गिवन है कि 1 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज। देखो चार्ज 20 है ना, कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि 1.5 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। मे बी पॉसिबल है वो चीज, बट टूटवा चार्ज नहीं होता, ज्यादातर होल वैल्यू ही मिलती है। इसको निकाल सकते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होना चाहिए एग्जैक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 का कि कोई ऐसी वैल्यू निकल के आए 3/2 टाइम्स, मींस ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। मींस आप ये नहीं कह सकते, अब देखो ये जो चार्ज आएगा ना कितना आ गया है 8 3/2 भी तो 1.5 हो जाता है। सुनो 1.5 हमने मैंने एन की वैल्यू ली है, ध्यान दो ये है और ये है 0.8 और कितना हो गया 2.4 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम का ये चार्ज पॉसिबल नहीं है यूनिवर्स में। सर एक बात, ये आपने 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 3 उससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। किससे? 10 की पावर माइनस 19। क्यों होगा? नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम क्यों है? वो 1 की तो वैल्यू है तो वो पूरा अंडर मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसे नहीं होता, ध्यान दो इस चीज पर। ये कोई ऐसे थोड़ी ना है, a प्लस बी थोड़ी ना है, ये तब होता ना 3/2 a प्लस 3/2 b तब होता। मुझे आप एक बात बताओ, 3/2 into a into b, इसमें आप ऐसे लिखोगे 3/2 a into 3/2 b, इसमें आपको डाउट है? अरे जवाब तो पूछ रहा हूं कुछ। इसमें तो डाउट नहीं है? इसमें तो नहीं। फिर उसमें क्या डाउट था? तो उसमें सर हमेशा दो से, हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें आपने एक सी करी, इसलिए डाउट आया। दे तो अब तक रहा ही होगा फिर डाउट ऐसे। अरे a into b कर लो सर, एक्चुअल बात ये है, हमने ब्रैकेट लगा दी ना, उससे कंफ्यूजन हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लो, वो ब्रैकेट से ना फिर ऐसे लगता है वो पूरे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें अड़चन क्यों है ब्रैकेट से? ब्रैकेट होती तब भी प्रॉब्लम क्या है? वो इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ पे ब्रैकेट लगने के बाद प्लस इमेजिन करते हो। ब्रैकेट लगने के बाद भी अगर यहाँ पर ऐसे है ना, ये आपने कभी इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? 3/2 ब्रैकेट a इंटू बी, ये क्या है 3/2 ए बी तो है, 3/2 a इंटू बी क्या है, ये 3/2 ए बी तो है। ये 11th क्लास की मैथमेटिक्स नहीं करवा पाएगी फिर तो आप अटकोगे। तो अमर सर बाय।
इसमें अटकोगे तो 11th क्लास की मैथमेटिक्स कैसे करोगे, 12th क्लास की मैथमेटिक्स कैसे करोगे? सर ये ऐसी इक्वेशन आई है ना, वो तो कह रहा हूं आगे तो बहुत आएंगी। आगे बहुत आएंगी ये 11th क्लास की केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो तुम चक्कर खा के गिर जाओगे। नहीं सर आज तक ऐसी वैल्यू सामने नहीं आई सर। अरे तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तुम अब आ गई ना क्लियर है हो गया। मुझे ये बता जाओ कि ये जो वैल्यू आई है 2.4 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्या ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा चार्ज? नो सर एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेरी गुड, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि ये तुम्हारे सही है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 है। Yes. It is not an integer. आ रही बात समझ? तेरे क्वेश्चन हो गया आपका? Yes. अब बताना जरा पूरे चैप्टर में कितने क्वेश्चन करके जा रहे हो आप घंटे के लेक्चर में? बहुत बस तीन चार ही कर रहे, 10 की सोची थी मैंने। कल से 10 कर लेंगे आज। दिमाग ना किसका? क्यों सर कॉपी पेन तो उठाई नहीं है, दिमाग कैसे खराब हो गया? कॉपी पेन तो उठाई नहीं आपने? उठाए थे सर। कल नहीं हमारा दिमाग खराब हो गया। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कि मैंने तुम्हें कुछ गलत पढ़ाया है? क्यों भाई प्रियांशु तो बदले का बदले का क्या बात है प्रियांशु? ऐसा कुछ अंधेरा तो हो रहा है। सही पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाता है। ये आप क्या बता रहे थे 2.4 चार्ज है नहीं आई फिर इसका मतलब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, बहुत बेसिक सी चीज है। कभी भी ये चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यूनिवर्स में। ये चार्ज एग्जिस्ट कर जाएगा 16^48 यानी 4.8 × 10⁻¹⁹ ये 16 का मल्टीपल है, 1.6 का मल्टीपल है। हां ये चार्ज एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के चार्ज बना देंगे। आप एक बात बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, आप डेढ़ इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? इलेक्ट्रॉन को तो तोड़ा ही नहीं जा सकता भैया, एटम को तोड़ दोगे। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन, एटम को तोड़ दिया आपने, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ये ब्रेक नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आता है। जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे आप तो इलेक्ट्रॉन इज अ इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे ब्रेकेबल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स के बने, एक प्रोटॉन पी पॉजिटिव जो है ये UUD क्वार्क का बना है, और एक न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल चार्ज का है ये DUU क्वार्क का बना है, और मे बी शायद इंटरकन्वर्टिबल है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, शायद प्रोटॉन DUU क्वार्क का है और न्यूट्रॉन UUD क्वार्क का हो सकता है मे बी, बट ये आपस में भी इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। हाँ वो होते हैं और आपस में। हाँ लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे ब्रेक नहीं होता, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे इसका डबल चार्ज टाइम्स होगा। अब डेढ़ इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस आधा इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आगे ब्रेक ही नहीं होता, तो आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? तो ये सर ये हुआ है कि हमने बस सम सॉल्व किए, ध्यान दे दिया इस चीज क्या टीचर ने कहीं बताया नहीं है कि इनको, मैं सेकंड टाइम देख रहा हूं से एक चीज ही समझ में नहीं आ रही, मुझे लगा शायद क्वांटाइजेशन बताना चाहिए, बट अभी भी अटक रहे हैं। ये सेल्फ स्टडी नहीं करते, ये इनकी कमी है, वीकनेस है, सेल्फ स्टडी नहीं करते सर। उसके पेनल्टी बस के बाद ही कुछ समझ में सब ये से आए नहीं, कॉन्फिडेंस क्यों तीनों का अलग-अलग निकाल के देखो मैंने।